हेलो फ्रेंड्स, विक्की वाधवा रेड डेस्क क्रिकेट से। हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। कॉन्टेस्ट 18, वीडियो लास्ट तक देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा आपके कंसर्न के ऊपर। आज ये वीडियो एंड यूजर के साथ साथ शॉपकीपर्स के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हम उनको फर्स्ट टाइम एक कंसेप्ट देने जा रहे हैं जिसके लिए आप थैंक यू कहेंगे। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा आपके कंसर्न से, जिसमें कुछ भाई ने पूछा है कि जी मैंने अपने बैट को ऑयल कर लिया है, अब उसके ऊपर ना ग्लू टिकता है ना टेपिंग की जा रही है उससे। बिल्कुल सही कंसर्न है। पिछले काफी वीडियो में बता चुका हूं कि ऑयलिंग कोई कंसेप्ट नहीं है बैट मेकिंग में, बैट के ऊपर ऑयल का कोई यूज नहीं है। इतना यूजेज होता तो हम कंपनियां पहले से ही आपको करके देती। 150 रुपए लीटर का लिंसीड ऑयल होता है, 5 ग्राम नहीं लगता, कितना को खर्चा है। जरूरी नहीं है, इसीलिए कोई कंपनी करके नहीं देती। क्यों करते हो आप? पुराने टाइमों में जरूरत होती थी, वो सारा बता चुका हूं, मैं नहीं रिपीट करूंगा उसको। अब क्या करें, आपने ऑयलिंग कर ली है, अब उसके ऊपर ना टेप हो रहा है ना ग्लू हो रहा है, अब उसको कैसे ठीक किया जाए? बैट के ऊपर आपने ऑयलिंग कर रखी है, अब इसके ऊपर टेपिंग नहीं हो रही, तो आप ये एक टेलकम पाउडर लीजिए और अच्छी तरह जहां जहां पे भी ऑयलिंग हुई है उसके ऊपर टेलकम लगा के इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए। ओवरनाइट छोड़ने के बाद अच्छे से टेलकम को कपड़े से रब कर लीजिए और एक जो लिक्विड सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर तो सबको पता है क्या होता है, लिक्विड सैनिटाइजर से सरफेस को क्लीन करके और अच्छे से दोबारा उसको कपड़ा मार दीजिए। बिल्कुल ठीक नहीं होगा पर पहले से काफी बेटर हो जाएगा। तो ये टिप थी उनके लिए कि ऑयलिंग कोई कंसेप्ट नहीं है। देखिए, बहुत से शॉपकीपर एड ऑन फैसिलिटी देते हैं, नॉकिंग, टेपिंग, ऑयलिंग, बैंडिंग, सब कुछ फ्री। इसकी जरूरत कब है और क्या करना चाहिए? एक कस्टमर को एड ऑन फैसिलिटी देने के लिए दुकानदार बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, ये होनी भी चाहिए। ऑयलिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। बाकी रही बात बेंडिंग की, बाकी रही बात टेपिंग की, वो नए बैट के ऊपर हम करके देते हैं, प्लीज इसको अवॉइड कीजिए। क्योंकि अगर बेंडिंग इतनी जरूरी होती तो हम कंपनियां नए बैट को करके देती। बेंडिंग नए बैट के ऊपर नहीं चलती। नॉक्ड बैट, अच्छी तरह खेला हुआ बैट, पूरा खुला हुआ बैट, उसी के ऊपर ही बेंडिंग होनी चाहिए, नहीं तो बैट का स्ट्रोक नहीं निकलेगा। अच्छे खुले हुए बैट के ऊपर टेपिंग होनी चाहिए, पहले कर दोगे तो बैट का स्ट्रोक नहीं बनेगा। एड ऑन फैसिलिटी तो आप दे रहे हो पर इसकी टाइमिंग सही नहीं है। फैसिलिटी देनी है तो नया कंसेप्ट, जैसे हम गाड़ी लेते हैं तो एक सर्विस का कल्चर है कि फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, कस्टमर को बांध के भी रखेगी आपकी। सर्विस कार्ड बना के दीजिए, अपना बैट सेल कीजिए, मशीन नॉक करके दीजिए, यहां तक सही है। वापस बुलाइए कस्टमर को नॉकिंग के बाद, चेक करके बैट खुल गया है तो खुद टेप करके दीजिए। दूसरी बार बुलाइए, रीटेपिंग करके दे सकते हैं, थ्रेड बाइंडिंग तब करके दे सकते हैं। कस्टमर का आना जाना लगा रहेगा और कस्टमर आपके साथ जुड़ा हुआ भी रहेगा आपकी सर्विस से। नए बैटों में टेपिंग, नए बैटों में बेंडिंग की जरूरत नहीं होती कि आप हमसे नया बैट ले रहे हो तो हम आपको ये ऐड ऑन करके देते हैं, आप नुकसान कर रहे हो बैट का। आप जरूर करके दो, आप सर्विस कार्ड वाला सिस्टम करो, उससे कस्टमर बंधा रहेगा और आता रहेगा बार बार। पहले करके देने से
बैट को नुकसान ही होता है। अगर ये चीजें इतनी बेनिफिशियल होती नए बैट पे, तो हम कंपनियां इसको पहले से ही करके देती। आप नोटिस करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोई थ्रेड बाइंडिंग नहीं करके देता, कोई आपको टेप लगा के नहीं देता, साथ में देता है। क्या मानना है उसका कि आप अच्छी तरह से नॉक कीजिए, उसके बाद टेप लगाइए। आप कहोगे जी कि वो ग्रेन्स क्लियरली विजिबल होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट टेपे हैं, हम करके दे सकते हैं। एड ऑन फैसिलिटी देनी है ना, कितना है वो खर्चा आता है, लाख लाख रुपए बैट भी तो हम ही बेचते हैं ना, 150 का खर्चा कर भी देंगे एज एड ऑन फैसिलिटी, तो क्या जाएगा हमारा। पर टाइमिंग इसकी आपके पास आने पे आएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि टेपिंग कब होनी चाहिए, थ्रेड बाइंडिंग कब होनी चाहिए और ऑयलिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में मेरी जो आज की ट्राई है आपको जरूर पसंद आएगी। जितने भी शॉपकीपर भाइयों को ये कंसेप्ट अच्छा लगा, वो कमेंट बॉक्स में थैंक्स जरूर कर दें। कॉन्टेस्ट 18 मैंने आपसे पूछा था कि आपको उस प्लेयर का नाम बताना है जिसने 2020 क्रिकेट में सबसे ज्यादा नो बॉल फेंक की है। यू नीड टू गैस द नेम ऑफ प्लेयर हु बोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल नो बॉल्स इन T20s इंटरनेशनल वाइल्ड प्लेइंग फ्रॉम इंडिया। लास्ट डेट 30 सितंबर, और जीतने वाले को मिलेगा रेड डाइस की तरफ से बहुत ही ब्यूटीफुल टॉप ऑफ द लाइन मांबा बैट। 30 सितंबर तक हम वेट करेंगे आपकी सभी जवाबों का। 1 अक्टूबर के वीडियो में विनर डिक्लेयर होगा, और सिर्फ 3 रिक्वेस्ट, ज्यादा से ज्यादा आगे भेजिए वीडियो को, फेसबुक पेज लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहीं पे ही आप कमेंट कर सकते हैं अपने सही जवाब, और हम हर एक कमेंट बड़े ध्यान से पढ़ते हैं आपके। आपकी क्वेरीज जो भी आती हैं उसका एक कंक्लूसिव सा वीडियो बनाना हमारी कोशिश रहती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आगे भेजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को भेजिए, सो दैट कि सभी को ये इंफॉर्मेशन डायरेक्ट फ्रॉम मेकिंग पॉइंट पहुंच सके। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।